हेलो, क्या बोल रहा? आप चौकीदार जी बोल रहे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, मैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। कैसे हैं? श्रीमान ठीक है। क्या घटना हुई है? मैं देखा सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर देख करके मैं बहुत दुखी हो गया, तो मैंने सोचा आपसे सीधे बात करके पूछूं कि आपके साथ ही क्या क्या हुआ, क्यों आप कान बैठ कर उठ पकड़ करके उठे बैठे, क्यों आप किसी के पैर पर पड़े, क्या मामला है? मैं उसकी सही सही जानकारी चाहता हूँ। डरिए मत, लेकिन सच्ची बात बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। श्रीमान, हमारा ड्यूटी सुल्लापुर मोड़, हमारा नाम गणेश लाल शर्मा, 19 बेटा ये सुल्लापुर। जोर से बोलिए गणेश बाबू, जोर से। हमारा नाम गणेश लाल शर्मा, 19 बेटा ये चौकीदार सर्किल नंबर 19 के ये, हमारा महल सुरजापुर है। हम सुरजापुर के लिए जा रहे थे अपना बीट पर। बीट पर जो ही पहुँचे, उससे पहले चार गो सिपाही डीएमटी का वहाँ मौजूद था। श्रीमान, अच्छा, डीएम मौजूद था तो हम कुछ देखे नहीं। एक गाड़ी वाला उधर से भागा तो हम कुछ जानते भी नहीं है, कुछ देख भी नहीं किए हैं। लेकिन बापा उन्हें 1 बजे के बीच में कृषि पदाधिकारी एक बेलोरो लेकर के आया, पांच आदमी से। एकाएक वो कहने लगा कि पहचानो पहचानो कौन था, तो पता ये है वो है कौन था। उसी में हम श्रीमान हम टोक दिए कि क्या बात है, क्या हुआ है। इसी में कहा गाली भर दी हमको देने लगी, बहुत ज्यादा गाली देने लगा। कृषि पदाधिकारी गाली देने लगे आपको, क्या बोले? हाँ, क्यों रोका गाड़ी? श्रीमान हमसे भेजे नहीं है गाड़ी घोड़ा, तो हम क्या बता सकते हैं। जो रोके भी हैं तो हम ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर हैं। क्या हुआ? तो वो लोग गाली गुल्ला बोलने लगे, गाली बोल के भाग जोड़ो, पैर पकड़ो, अभी तुमको जेल भेजा देंगे, साहब को बुला देंगे, तुमको बनवा देंगे, नौकरी से भगा देंगे, ऐसे करेंगे, कान पकड़ो। हम बहुत लोरमोर हो गए हुजूर। इसी बीच में हमारा छोटा हुआ, इनको भी बर्दाश्त समझ में नहीं आया। ई भी हमको कहा कि जो कहता है सुनो, क्या कहता है नहीं कहता है, हैं? उसी ने हमको कान पकड़ के कहा कि 50 मरते उठो बैठो, हैं? अच्छा जी, 50 मरते उठो बैठो। उसके बाद पैर पर क्यों पड़े आप? श्रीमान हमको हाथ ताना घिसा करने लगा, ज्यादा समय भी नहीं दिया हुजूर, एक बार गार करके उलझ गया, हम कुछ जानते भी नहीं थे सर। अच्छा ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। आप चिंता मत करिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चौकीदार भी, सब सिपाही भी, सब लोग ये सरकार के अंग हैं, हमारे अंग हैं। आप सब लोग मनोबल मत गिराइएगा, जो गलती किया उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन मनोबल नहीं गिराना है, उत्साह कम नहीं करना है, अपना ईमानदारी से ड्यूटी करना है। घर परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? श्रीमान 6 बच्चे हैं, 3 लड़का 3 लड़की। अच्छा, सब बच्चों की शादी कर दिए हैं? नहीं श्रीमान, 3 लड़का है, 3 लड़का बड़ा है, शादी नहीं किया। बड़ा लड़का बीएड किया हुआ है, उनसे छोटा बीए किया हुआ है, 3 लड़की है, 3 बेटी इंटर है, छोटा लड़का मैट्रिक में है। घर में सब लोग ठीक है ना? जी सर ठीक है। आप चिंता नहीं करिए, दुखी नहीं होइए, लेकिन जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। हम आपसे माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको इसका बेहद अफसोस है। लेकिन उत्साह मत कम करिएगा, अपना बचाव करिए, कोरोना से बचिए, ड्यूटी ठीक से करिए। सब चौकीदार भाइयों को भी समझाइए कि अपने ड्यूटी ठीक से करेंगे, ठीक है? श्रीमान के आशा ठीक है। गणेश भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जी सर जी, प्रणाम प्रणाम। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।